अगर इसको इसको हाथ लगाने की कोशिश की तो हम डिपार्टमेंट से यही कहते हैं कि यहाँ के जो माहौल है वो खराब होने का चांसेस है, इसलिए बेहतर है कि इसको हाथ न लगाए। और ये जो उर्दू लिखा हुआ पहली मर्तबा नहीं है, हमारी करेंसी के अंदर उर्दू लिखा हुआ है। भटकल टाउन म्युनिसिपल की इमारत पर कन्नड़ा अंग्रेजी के साथ उर्दू में टाउन म्युनिसिपल का नाम लिखे जाने के खिलाफ भुवनेश्वरा कन्नड़ा संघा की जानिब से एहतजाज दर्ज कराते हुए उर्दू नाम को हटाने का आज मुतालबा किया गया है। संघा की जानिब से शाम 5:30 बजे के करीब कुछ नौजवान म्युनिसिपल दफ्तर के बाहर जमा हुए और उन्होंने उर्दू में म्युनिसिपल का नाम लिखे जाने पर बेजा एतराज करते हुए उसकी मुखालफत में नारेबाजी की। उन्होंने दलील दी कि कर्नाटक में अंग्रेजी, कन्नड़ा और हिंदी छोड़कर किसी और जबान की जरूरत नहीं पड़ती, साथ ही उर्दू नाम न हटाने पर बड़े एहतजाज की भी उन्होंने धमकी दी है। वहीं मकामी लोगों ने शदीद एतराज जाहिर करते हुए इस गिरोह को शरपसंद अनासर करार दिया और कहा कि ये अमन अमान की सूरत हाल को बिगाड़ना चाहते हैं। पहले से जो म्युनिसिपैलिटी के ऊपर कन्नड़ा के साथ, इंग्लिश के साथ उर्दू का नाम लिखा हुआ है, आज से 100 साल पहले से नाम लिखा हुआ है, आज वही काम यहाँ पर नई म्युनिसिपैलिटी का भी नई पेंटिंग होने के बाद यहाँ पर नाम लगाया जा रहा था, तो यहाँ के सरपंच लोगों ने उसके खिलाफ यहाँ खड़े होने की कोशिश की। उन्होंने उनके एतराज का जवाब देते हुए कहा कि म्युनिसिपल में आज से नहीं बल्कि सालों से बोर्ड पर उर्दू की तहरीर मौजूद है। उन्होंने उसे सिर्फ गंदी सियासत करार देते हुए कहा कि इस तरह की कोशिशों से यहाँ अमन अमान को खतरा लाहिक हो सकता है। हम लोग आज से नहीं, ब्रिटिश सरकार के दौर से जब से ये म्युनिसिपैलिटी है तब से भी आज तक ये तीन भाषा में जो है एक बोर्ड जो है बनता है, वो लिखता है। वो पहले तो कन्नड़ भाषा रहता है, दूसरे नंबर पे जो है इंग्लिश रहता है, तीसरे पे उर्दू, तीसरे नंबर पे रहने पे भी हमारा कोई जो है ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक तादाद के हिसाब से रहने, बहुत सारे लोग जो है उर्दू के आशिक लोग है, लिखा हुआ है इसको बिल्कुल हाथ न लगाए, तो इसलिए हम लोग अगर इसको हाथ लगाने की कोशिश की तो हम डिपार्टमेंट से यही कहते हैं कि यहाँ के जो माहौल है वो खराब होने का चांसेस है, इसलिए बेहतर है कि इसको हाथ न लगाए। और ये जो उर्दू लिखा हुआ पहली मर्तबा नहीं है, हमारी करेंसी के अंदर उर्दू लिखा हुआ है, हमारी करेंसी के अंदर उर्दू भी लिखा हुआ है, 5 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट, उसको कैसे निकाल सकते हैं? अगर इसके खिलाफ वर्जी है तो उसको भी निकालने की आपको अब कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो लेके आप लोग अपनी जेबों में लेके घूमते हैं, उसके खिलाफ कोई नहीं जाता। तो जिस तरह नोट के अंदर है, जिस तरह अगर म्युनिसिपैलिटी के अंदर भी पहले से लिखा हुआ है, जाके देखिए आप लोग, म्युनिसिपैलिटी में 100 साल पुराना बोर्ड है, वहाँ पर लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, वहाँ पर इख्तलाफ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इख्तलाफ करने की क्या जरूरत है? ये खाली अभी आइंदा इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए ये लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए यहाँ का भटकल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसी तरह हमारे वाजपेयी साहब भी उर्दू में नज़्म लिखे हुए हैं, जो बीजेपी के बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं पहले, तो उन्होंने भी अपने उर्दू में उनकी नज़्म लिखी हुई है। इसलिए मैं अभी हमारे लोगों से यही दरखास्त करूंगा कि कल 10:30 बजे म्युनिसिपैलिटी के बाद जमा हो और हम लोग बड़ी तादाद में म्युनिसिपैलिटी को हमारा मेमोरेंडम पेश करेंगे। आवाम से गुजारिश करूंगा कि लोग 10:30 बजे यहाँ पर जमा हो जाए इंशाल्लाह।